हाय दोस्तों, मैं विष्णु और आप देख रहे हैं BS मूवी स्टूडियो। दोस्तों, कल मेरे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहते हुए भी ऑफलाइन कैसे दिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उन्हीं के जवाब के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर आना है। व्हाट्सएप पर आने के बाद ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप लॉक्ड है, क्योंकि आईफोन है तो टच आईडी मांगता ही है और इसमें लॉक का भी ऑप्शन है। आप इसमें व्हाट्सएप को लॉक भी कर सकते हो बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप व्हाट्सएप को कैसे लॉक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट्स पर क्लिक करोगे, आपको ऊपर ही ऊपर देखिए प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर में एक लास्ट सीन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें दोस्तों ये एवरीवन पे होता है, हर मोबाइल में एवरीवन पे होता है। तो एवरीवन का मतलब ये होता है कि जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, वो सारे आपके जो ऑनलाइन आप जब रहते हो वो देख सकते हैं। आप ऑफलाइन रहते हो तो आपका लास्ट सीन देख सकते हैं, मतलब सारी मूवमेंट को वो देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नोबडी पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका लास्ट सीन जो है वो किसी को शो ना हो, तो आप यहाँ पर नोबडी पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप नोबडी पर क्लिक करोगे, आप खुद चेक कर लेना, आपका जो लास्ट सीन है वो किसी को भी नहीं दिखेगा। और इसमें दोस्तों एक ऑप्शन और है माय कॉन्टेक्ट का। अगर आप माय कॉन्टेक्ट पर क्लिक करोगे तो सिर्फ जो जितने आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स है उन्हीं को आपका लास्ट सीन दिखेगा, बाकी किसी को भी नहीं दिखेगा। जो भी मतलब अनोन पर्सन रहेंगे उनको नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, नोबडी पर क्लिक करना है। जैसे आप नोबडी पर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग आपके मोबाइल आपके व्हाट्सएप पर अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप व्हाट्सएप में लॉक कैसे लगा सकते हो, वो भी व्हाट्सएप का खुद का लॉक बिना कोई लॉक डाउनलोड करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो है यही पेज ओपन रखना है और नीचे ही नीचे आपको देखना है स्क्रीन लॉक। ये देखिए नीचे आपको स्क्रीन लॉक दिख रहा है, इसको आपको ओके कर देना है। मेरा तो आईफोन है तो इसमें रिक्वायर टच आईडी आ रहा है। हाँ, आजकल तो हर मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर आता ही आता है, तो शायद यही ऑप्शन आ रहा होगा रिक्वायर टच आईडी। तो आपको इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। तो आपके मोबाइल में जो है तो आपकी व्हाट्सएप में जो है लॉक लग जाएगा। फिर आसानी से आपकी व्हाट्सएप को कोई नहीं खोल सकता, या फिर आपकी व्हाट्सएप को कोई खोल भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस, ताकि मैं जो भी कोई नया वीडियो जो है अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।